हेलो गाइस, मैंने इस वीडियो में दो तरीके के इयररिंग्स बनाए हुए हैं जो बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो इनको। जो पहले वाले इयररिंग्स है इसमें बस जंप रिंग लेना है। जंप रिंग के अंदर मैंने दो ब्लैक कलर के मोती डाले हैं, एक गोल्डन डाला है, बीच में गोल्डन डाला है, साइड से ब्लैक कलर के मोती डाले हुए हैं। इस तरीके से बस आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है और बस इसको आप बंद कर देंगे। इसको लॉक करने के बाद में अब ये आई पिन लेंगे, आई पिन में ये मोती डाल के इसको राउंड कर देना है। राउंड करने के बाद में इसमें नीचे जंप रिंग लगा देना है, जिसमें मैंने मोती ब्लैक कलर के मोती डाले थे बस वही जंप रिंग इसको इसमें अटैच करना है। ये जंप रिंग इस तरीके से इसमें अटैच कर देंगे। अभी जंप रिंग डाल इसमें जब जंप रिंग अटैच करने के बाद में बस इसमें हुक लगाना है। इयररिंग्स हुक लगाने के बाद में फिर देखिए ये इयररिंग्स बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं। ये इसमें हुक लगा दिया है मैंने इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें ये कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसे लगे ये वाले। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले इयररिंग्स के। अब नेक्स्ट वाले इयररिंग्स बनाते हैं। चलिए, उसमें कुछ नहीं, बस ऑरेंज कलर के मैंने स्टोन लिए हुए हैं। ये ऑरेंज कलर के स्टोन इस पर ट्रांसपेरेंट शीट पे ग्लू करने हैं। ट्रांसपेरेंट शीट पे ग्लू करने के बाद में इस पर इसके साइड से राइस्टोन चेन लगानी है। राइस्टोन चेन लगाने के बाद में इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। मैंने ये अच्छे से सुखा लिया था। ये इस पर सुखाने के बाद में बस ये देखिए इस तरीके से उसमें लगाना है, अच्छे से ग्लू कर देना है। ग्लू करने के बाद में बस इसको सूख जाने से फिर इसको कट करके निकाल लेना है। मैंने ये तीन किए थे, बनाया तो मैं कुछ और रही थी बट मैंने फिर इयररिंग्स बना दिए। मेरे को इयररिंग्स ज़्यादा अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने इयररिंग्स बना दिए इसके। फ्रेंड्स, कभी कभी होता है हम कभी कभी सोचते हैं कुछ और चीज़ बनाने के बारे में लेकिन बन कुछ और ही चीज़ जाती है। देखिए ये मैंने बनाया है, इस तरीके से इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद में अब देखिए इसका फाइनल लुक, जब ये बना लास्ट में बहुत अच्छा लग रहा था बन के। मैंने पहन के भी देखी थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, सिंपल एंड करना है। बस ग्लू लगाना है, ग्लू लगा के बस स्टिक करना है। ये रबर स्टॉपर को बस इस पर लगाना है और कुछ नहीं करना है। देखिए मैंने बस इस पर ग्लू लगा दिया। ग्लू लगाने के बाद में बस रबर स्टॉपर इस पर चिपका दिए, ये हो गया कंप्लीट। देखिए इसी तरीके से सेकंड वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए फिर आपको आगे दिखाते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं। इसका फाइनल लुक देखिए आप कैसे लग रहे हैं, मुझे बताना आपको कि अब ये आपको कैसे लग रहे हैं ये रिंग्स। देखिए फ्रेंड्स, रेडी हो गए हैं। अब आप बताना आपको कैसे लग रहे हैं, एकदम कंप्लीट हो गए इयररिंग्स, आपको कैसे लग रहे हैं आप मुझे बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।